hello friends, hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics Classes by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, जिसको हम लोग आज उससे आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसपे एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का जवाब मैं आप बच्चों से उम्मीद करूंगा और आप बच्चे ध्यान से जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो होगी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और तब फिर हम लोग सेकेंड लॉ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखेंगे सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आई का वैल्यू ज्ञात करें। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, बहुत सारे वायर जुड़े हुए हैं, उसमें से अलग अलग डायरेक्शन में करंट को दिखाया गया है। आप बच्चे यहाँ पर करंट आई का वैल्यू कितना होगा ये क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है। आप बच्चों को इस क्वेश्चन आई का वैल्यू बताना है। इस वायर में करंट किधर फ्लो हो रहा है वो आपके डायरेक्शन दिए हुए हैं। सोच के जवाब दीजिए, आपके सामने 1 मिनट का समय है, जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत सारे बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया। कुंदन कुमार ने जवाब दे दिया है, शुभम राज ने जवाब दे दिया है, अमन कुमार ने जवाब दे दिया है, गौरव, पूजा कुमारी, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को एक साथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका 3 आंसर हमारे सामने दिख रहा है। किसी बच्चों का 4 भी आ रहा है, किसी का 7 भी आ रहा है, किसी का 6 भी आ रहा है। चलिए, कुछ बच्चों का 5 भी जवाब आने लगा और कुछ बच्चे ने अब 3 भी जवाब दे दिया। चलिए देखते हैं, लेकिन 7 की संख्या अधिक है, उसके बाद 6 आंसर अधिक है। अच्छा, कुछ बच्चे ने अब 2 भी दे दिया, एक बचा हुआ वो भी दे दीजिए। 7 और 6 आंसर ज्यादा है। अब देखते हैं हमारे सामने बैठे हुए बच्चे ने क्या जवाब दिया, अब उससे पूछ लेते हैं जरा सा। क्या जवाब आप लोगों का है? 7। चलिए भाई, सामूहिक रूप से हमारे सामने बैठे हुए बच्चों का जवाब 7 आया। अब हम देखते हैं सही क्या होता है। आपको सिखाया गया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। वायर का एक जाल है, नेट होता है। उस नेट में किसी भी जंक्शन पर जितने भी इनकमिंग करंट होंगे वहां से सभी करंट आउटगोइंग हो जाएंगे। किसी भी जंक्शन पर आवेश का संचय नहीं होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। मतलब फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो यहाँ पर टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट है। आइए अब सीखते हैं हम लोग इस फिगर में। यहाँ पर आप लोग देखिए ये एरो बाहर की ओर है, आउटवार्ड है, आउटवार्ड को हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ये इनवार्ड है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ क्या है अभी नहीं सोचेंगे, ये आउटवार्ड है माइनस में लेंगे, ये इनकमिंग है प्लस में लेंगे, ये भी इनकमिंग है प्लस में लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है जंक्शन पर, आप ध्यान दीजिएगा गौर से, हम लोग ये मान लेंगे ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी है, ये भी है, सभी जंक्शन को कॉमन मान लेंगे, जिसमें से इसमें इनकमिंग हो रहा है, इसमें आउटगोइंग, इसमें इनकमिंग, इसमें आउटगोइंग, इसमें इनकमिंग, इसमें आउटगोइंग। यहाँ आउटगोइंग है, इसको यदि हम लोग माइनस में कर दें तो कहा जाता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स, ऑल करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पर सभी विद्युत धाराओं का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ये बात कहता है, उसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए गौर से, थ्री माइनस में होगा तो माइनस थ्री, प्लस टू होगा माइनस आई होगा, माइनस टू होगा प्लस फोर होगा, प्लस फाइव होगा। सभी का अलजेब्रिक सम, इस सब का हम लोग सम लेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे सबका, और ये सब किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहूँगा, माइनस थ्री प्लस टू माइनस आई माइनस टू प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब आप देखो गौर से, पाँच चार नौ हो जाएगा, नौ दो ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह में पाँच घट जाएगा, माइनस फाइव प्लस ग्यारह माइनस आई बराबर जीरो। आई को राइट साइड लेके चल जाओ तो छः में पाँच गया, ग्यारह में पाँच गया, छः बराबर आई। तो आपका सही आंसर आई बराबर 6 एम्पियर हुआ। जितने लोगों का 6 एम्पियर आंसर आ गया, बल्ले बल्ले ताली बजाइए 6 एम्पियर वाले के लिए। चलिए बहुत अच्छा, 6 एम्पियर वाला बच्चा सब सही है, वेरी गुड। अब सभी बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, पहले 7 ज़्यादा हो रहा था, मेरे सामने बैठे हुए बच्चों ने भी 7 आंसर ज़्यादा दिया था। अच्छा, कुछ बच्चों ने 6 बोला था, चलिए बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। चलिए अब यदि इस बात को आप समझ लिए तो देखिएगा गौर से, हम लोग अभी और भी इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर विचार करेंगे। पहले हम लोग, अब हम लोग सेकेंड लॉ पर चलते हैं। तो देख लिया आपने फर्स्ट लॉ का जवाब किस तरह से हुआ, ठीक है, सभी बच्चों ने देख लिया। अब हम लोग सेकेंड लॉ में चलते हैं और गप शुरू करते हैं। डिलीट करें उसको, जल्दी लिख लीजिए। बहुत मजा आएगा सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद, जब क्वेश्चन बनेगा तो और मजा आएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते शुरू करते हैं सेकेंड लॉ। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, फर्स्ट लॉ को क्या क्या कहते हैं? तो फर्स्ट लॉ को आपने कहा था जंक्शन लॉ, फिर कहा था करंट लॉ, और फिर आप पॉइंट लॉ, बिंदु नियम, इन बातों को आपने जाना था, याद रखिएगा। अब सिमिलरली सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं? एक्चुअली सेकेंड लॉ वोल्टेज से रिलेटेड है। किसे है? सेकेंड लॉ वोल्टेज से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ करंट से था, सेकेंड लॉ वोल्टेज से है। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी इसको कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसका दूसरा भी नाम है। जैसे फर्स्ट लॉ किसी जंक्शन के लिए बनना था, सेकेंड लॉ जंक्शन के लिए नहीं है, सेकेंड लॉ एक बंद परिपथ के लिए है। बंद विद्युत परिपथ के लिए सेकेंड लॉ है। तो बंद विद्युत परिपथ को हम लोग कहेंगे लूप, LOOP, लूप। बंद परिपथ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? लूप कहेंगे। तो लूप कहेंगे तो यहाँ पर नियम बन जाएगा लूप लॉ। क्या नियम हो जाएगा? लूप लॉ बोलेंगे इसको। चलिए इसको याद रखिएगा, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। जैसे वहाँ बोले थे जंक्शन लॉ, यहाँ बोलेंगे लूप लॉ, वहाँ बोले थे करंट लॉ, यहाँ बोलेंगे वोल्टेज लॉ। क्या ये लाइन याद हुआ आप लोगों को? जल्दी यस करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब फर्स्ट लॉ में आपने देखा था आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चलिए बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। पूरा ध्यान से सुनते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, जरा सा भी आसपास नहीं करना है। सेकेंड लॉ हो गया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो आप बच्चों को याद हो गया, यहाँ पर ये लाइन एकदम याद हो गया होगा। वहाँ था फर्स्ट लॉ में था आवेश का संरक्षण सिद्धांत, और यहाँ है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। एक चीज मैं पूछता हूँ, आप लोग अब हमको डिस्कस में जवाब देंगे। कुछ बातें पूछते जाऊँगा, आप लोग जवाब देते जाएंगे। तो ये पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। यदि आप बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया तो ध्यान दे के जवाब देना जल्दी से। मैं कहूँगा कि एक चालक तार मेरे पास है, इस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं, और इस तार में धारा प्रवाहित होता है I। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऊर्जा कितना होगा, जल्दी बताइए आप। तो मैं बिना परेशानी का V×I कहने के लिए तैयार हूं। क्या कहने के लिए तैयार हूं? V×I जो है यूनिट टाइम में, कितना टाइम में? यूनिट टाइम में जो ऊर्जा खर्च होगा वो ऊर्जा कितना होगा? V×I। विभवांतर और धारा को गुना करेंगे, यूनिट टाइम में खर्च ऊर्जा का मान मिल जाता है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैसे, क्योंकि गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। सर हम लोगों को बच्चे क्लास में सुनने को मिला था विद्युत विभव बराबर कार्य बटे समय, तो कार्य बटे समय वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय। तो ये व्यवहारिक गप में कार्य होता है। विभव बराबर जो था याद करोगे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश। कार्य बटे समय बोला उसमें भी यहाँ हाँ बोल दिए, डब्ल्यू बटे क्यू उसमें भी हाँ बोल दिए, सब में हाँ बोल देना है, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। तो आपको सिखाया था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलम आवेश को लाने में कार्य डब्ल्यू है, इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो बी बराबर आपका होता है डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू बराबर लिखना चाहेंगे तो क्यू इंटू भी होगा कि नहीं होगा, तो क्यू इंटू भी होगा। अब देखिएगा गौर से, विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बाई टी, होता है कि नहीं होता है? यदि टाइम टी बराबर 1 सेकेंड ले लिया जाए, यह क्यू बराबर आई होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्यू के बदले आप आई लिखते हो, भी लिखते हो। यहाँ पर टाइम कितना सोचा गया, 1 यूनिट बोला गया, तो यूनिट टाइम में जो ऊर्जा खर्च होगा यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं v इंटू आई। ये रफ डिस्कशन था, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे आगे कैलकुलेशन में v और i के प्रोडक्ट पर डिस्कशन होगा, तो इसका मतलब वो ऊर्जा को बताएगा। और कहता है किसी बंद परिपथ में टोटल ऊर्जा कंजर्व होता है, ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। जैसे समझोगे इस तरह से बैटरी से हम लोग तार को जोड़ते हैं, तो बैटरी से तार को जोड़ देते हैं, तो सेल के अंदर में भी कुछ कार्य होता है और सेल के बाहर वायर में भी कुछ कार्य होता है। लेकिन सेल में पहले से केमिकल एनर्जी होता है, और वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्षण के लिए ब्रेक लगा था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी? यस। यहाँ पर बंद परिपथ क्लोज सर्किट को हम लोग देखें गौर से। क्लोज सर्किट में क्या हो रहा है, यदि ये चालक तार है, इसका प्रतिरोध मान लो आर है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, और यहाँ पर तार है, इसका प्रतिरोध है R2 मान लो, इसका प्रतिरोध R1 है, यहाँ प्रतिरोध R3 है। यह एक बंद परिपथ है, इसी बंद परिपथ को बोलेंगे LOOP लूप। क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे, LOOP लूप बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस बंद परिपथ में कहता है क्या गो ब्रांच हुआ, क्या गो शाखा हुआ, इसको हम लोग एक शाखा कहेंगे, इसको दूसरा शाखा कहेंगे, और इसको तीसरा शाखा कहेंगे। यदि बहुत सारे ब्रांच हो बंद बंद परिपथ हो, बंद परिपथ में बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, शाखा हो सकते हैं। तो कहा इस पूरे शाखा में जितने भी शाखा यहाँ पर दिखेंगे, प्रत्येक शाखा में धारा और प्रतिरोध, धारा और यहाँ पर धारा मान लो I1 है, यहाँ पर धारा मान लेते हैं I2 है, यहाँ पर धारा मान लेते हैं I3 है। तो अलग अलग ब्रांच में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो प्रत्येक ब्रांच में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्रत्येक ब्रांच में सोचेंगे हम लोग। और इन सभी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो मान होगा, उस सभी गुणनफल का अलजेब्रिक सम लेंगे। क्या लेंगे? अलजेब्रिक सम लेंगे। और ये सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा, इस परिपथ में जुड़े सेल, परिपथ में जुड़े सेल के टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। क्या होगा? टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। पूरा अच्छा से लिखेंगे, पहले रफ को समझिए आप लोग, रफ करके दिमाग में सेट कर लीजिए, तब पूरा स्टेटमेंट को हम लिखवा देंगे। तो बंद परिपथ है, बंद परिपथ में बहुत सारे ब्रांच होंगे, शाखा होंगे। तो ब्रांच कैसे खोजिएगा? यह एक प्रतिरोध वाला एक ब्रांच हुआ, यह दूसरा ब्रांच हुआ, यह तीसरा ब्रांच हुआ। सभी में प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, रेजिस्टेंस कुछ होगा, सब में कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होता होगा। तो कहता है, फिर से सुनिएगा, जितने भी ब्रांच होंगे कहाँ पर? एक बंद परिपथ में। कहाँ पर? एक बंद परिपथ। सभी बंद परिपथ पर नहीं विचार करेंगे, एक बंद परिपथ में जितने भी ब्रांच होंगे, सभी ब्रांच में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को लेंगे। किसका लेंगे? धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को लेंगे, और उस गुणनफल का अलजेब्रिक सम लेंगे। क्या लेंगे? और वो अलजेब्रिक सम इस परिपथ में जुड़े टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। यही है किर्चॉफ सेकेंड लॉ। तो इसको भाषा में लिखते हैं। अब अलजेब्रिक सम लेंगे, प्लीज कंसंट्रेट, पूरा ध्यान से। अलजेब्रिक सम लेंगे तो याद करिएगा, कल मैं करंट के बारे में बता रहा था, इनकमिंग और आउटगोइंग। इस करंट को मैं अंतर बताने के लिए प्लस साइन और माइनस साइन का यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ बंद परिपथ में, या एक बंद परिपथ है, इसमें यदि मैं घूमता हूँ तो मेरे घूमने का क्रम दो हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो क्रम होने का चांस है। अब मैं अपने ऊपर सोचूंगा, अपने इच्छा अनुसार सोचूंगा कि क्लॉकवाइज को यदि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो एंटी क्लॉक को क्या लेना होगा? निगेटिव लेना होगा। यदि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है, आप स्वतंत्र हैं क्लॉक या एंटी क्लॉक को पॉजिटिव या निगेटिव लेने के लिए, लेकिन किसी एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कुछ क्षण के लिए कि इस परिपथ में इस तरह से एरो दिखाते हैं, तो यह बता रहा है क्लॉकवाइज। क्या बता रहा है? इस क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। तो यदि कहीं पर धारा एंटी क्लॉक होगा, उस धारा को हम लोग क्या ले लेंगे? निगेटिव। और यदि क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जो धारा प्रवाहित होगा, उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए प्लस माइनस का यूज करेंगे। अब जब अलजेब्रिक सम लेते हैं हम लोग, तब उस प्लस और माइनस साइन का इम्पोर्टेंस होता है। अब कल्पना करो दो एक क्षण के लिए, ये करंट जो I1 है, आप जल्दी बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है? क्या है? हाँ सर, यहाँ उंगली रख के उंगली घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। फिर I2 पर आइएगा, ये भी क्लॉकवाइज। I3 पर आइएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब I1 आपका पॉजिटिव लेंगे, I2 पॉजिटिव लेंगे, I3 निगेटिव लेंगे। अब सबका अलजेब्रिक सम आपको कहा जाए, तो अलजेब्रिक सम जब करेंगे I1 के आगे में प्लस I2 के आगे में प्लस I3 के आगे में। अब सबका अलजेब्रिक सम लेना है, तो जैसे अलजेब्रिक सम लेना है तो सबको इस तरह से घेर देंगे और सबके बीच में प्लस साइन दे देंगे। ये हो गया अलजेब्रिक सम। अब कहता है वो किसके बराबर होगा? टोटल ईएमएफ के बराबर। किसके बराबर होगा? टोटल ईएमएफ। क्या यहाँ पर कोई सेल है? जल्दी बताइए, इस चित्र में कोई सेल है? सर जब सेल एब्सेंट होगा, जब सेल क्या होगा? सेल एब्सेंट होगा तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ हम लोग क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। सेल रहेगा तब नहीं ईएमएफ का गप करें। ईएमएफ क्या है मालूम आपको? विद्युत वाहक बल। जो भी बैटरी आप खरीद के लाएंगे बाजार से वो लिखा रहता है 12 वोल्ट, तो कह देंगे सेल का ईएमएफ कितना हुआ? 12 वोल्ट। कि कोई टॉर्च का सेल का होता है 1.5 वोल्ट, तो कह देंगे उसका ईएमएफ कितना हुआ? 1.5 वोल्ट। तो सेल रहेगा तभी विद्युत वाहक बल ईएमएफ का चर्चा होगा। सेल जब एब्सेंट है तब ईएमएफ का मान क्या होगा? तो आप लोग के मन में एक बात नहीं चला कि सर जब बैटरिया ही नहीं है तो धारा कितने से आएगा? चलिए बोलिए, जब बैटरी जुड़ा ही नहीं है तो धारा कितने से कोई उपाय। लेकिन अभी कुछ बात आप नहीं सुने हैं, उसको जरा सा सुनना बाकी। अब मैं इसको खत्म करता हूँ, अब फ्रेश लाइन में आता हूँ। रफ काम मेरा खत्म हो गया। अब आपने कितना याद किया है, याद रखा, वो अभी पता चलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सर यहाँ जो बंद परिपथ बोलते हैं, ये बंद परिपथ चालक तार के जाल का है। और जाल बोलने का मतलब आप समझ जाना, इस तरह का बहुत सारा चालक तार है, सब एक जाल बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है। माय डियर बच्चों अब ध्यान देना, यहाँ सेल जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, लेकिन एक बंद परिपथ चुनना चाहता हूँ मैं। ये एक जाल हो गया, नेट हो गया चालक तार का, लेकिन कहीं न कहीं बैटरी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक को बंद परिपथ चुनना है आपको। यदि मैं यहाँ पर ये वाला बंद परिपथ चुन लेते हैं तो क्या इस बंद परिपथ में कोई सेल है? लेकिन इसका और इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़े, इसलिए जहाँ जिस बंद परिपथ में सेल ना दिखे वहाँ धारा नहीं बहेगा, ये कहना संभव नहीं है। धारा प्रवाहित हो सकता है, बाहरी सेल के प्रभाव से यहाँ भी धारा प्रवाहित होगा। हो सकता है कि यहाँ पर धारा प्रवाहित, हमने यहाँ पर एक बंद परिपथ को सेलेक्ट किया, हम इसको भी कर सकते थे, हम इसको भी कर सकते थे, हम इसको भी कर सकते थे। बहुत सारा बंद परिपथ है, कोई एक को सेलेक्ट करना है, तो मैं एक को सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो देखा कि यहाँ पर जब सेलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पर हमको देखने को मिला है इसमें प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध है और इसमें भी प्रतिरोध है। लेकिन इसमें धारा इधर बह रहा है, इसमें धारा इधर बह रहा है, इसमें धारा इधर बह रहा है, इसमें भी धारा इधर बह रहा है। लेकिन ये सब जो धारा बह रहा है किसके प्रभाव से? बाहर में जो सेल जुड़ा हुआ है उसके प्रभाव से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग किसी एक बंद परिपथ पर विचार करते हैं। अब कल्पना करो यहाँ पर धारा का मान मान लो I1, इसमें धारा मान लो I2, इसमें धारा मान लो I3, इसमें धारा मान लो I4 और इसमें प्रतिरोध मान लो R1, यहाँ प्रतिरोध R2, R3, R4। अब कहेंगे इस बंद परिपथ पर विचार करेंगे हम लोग। इस बंद परिपथ में सेल नहीं है तो यहाँ पर इस बंद परिपथ के लिए टोटल ईएमएफ पूछा जाएगा। तो माय डियर बच्चों यहाँ पर जवाब क्या देंगे आप? जीरो जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? जीरो। टोटल ईएमएफ यहाँ पर क्या हो गया? अब करंट और रेजिस्टेंस, धारा और प्रतिरोध का प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ लेंगे I1 R1, क्या लेंगे I1 इंटू R1, इसमें क्या लेंगे I2 R2, I3 R3, I4 R4। लिख लिया। अब आप लोग से पूछते जाएंगे, जवाब देना। I1 पॉजिटिव या निगेटिव? क्या लेंगे? सर ये एंटी क्लॉक हो गया, यहाँ पर सोचे हम लोग एंटी क्लॉक ये हो गया निगेटिव लेंगे, और क्लॉक वाइज होगा तो एंटी क्लॉक I1 यहाँ पर निगेटिव लेंगे, आप क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। लगता है बात आप लोगों ने पकड़ लिया। I2 बताइए, I2 पॉजिटिव, I3 I4 राइट। अब इन सबका अलजेब्रिक सम लेना है, तो सबका अलजेब्रिक सम यही कंसेप्ट है आपका। अब जो बात आपने सुना, इन सबका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? टोटल ईएमएफ के, और सेल यहाँ है ही नहीं, टोटल ईएमएफ क्या होगा? संतुष्ट हैं? समझ गए? यही है किर्चॉफ सेकेंड। बड़े आगे। अब आप तो 100% डिलीट कर दीजिए और अब फाइनल हम लोग फटाफट लिख लेते हैं जल्दी से। किसी चालक तार के एक बंद परिपथ में प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का अलजेब्रिक सम उस बंद परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही आपका किर्चॉफ सेकेंड लॉ है। The algebraic sum of current and resistance of each branch in a closed loop is equal to the total EMF of that circuit. अब इसको तुरंत एक ग्राफ बना के, फिगर बना के हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोग? आगे बढ़े। जल्दी बताइए I1 क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव। I2, I3, इन सभी का अलजेब्रिक सम हमको क्या लेना है? इस सब का अलजेब्रिक सम टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। टोटल ईएमएफ हमको कितना दिख चुका है? तो फाइनली हमको यहाँ पे इक्वेशन मिला माइनस I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें सीखना है। अभी मैंने ऐसा एग्जाम्पल चुना है जिसमें सेल नहीं है, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल लेने होंगे जिसमें एक सेल हो सकता है, 2 4 5 सेल हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा कंसंट्रेशन का ज़रूरत है। डायरेक्शन को पकड़ने में, प्लस माइनस को सेलेक्ट करने में ज़्यादा मेहनत होगा। तो चलिए आज तक हम लोग इतना पर ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले क्लास में जाके कंप्लीट होगा। ओके, बाय बाय।